लगभग एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा होटल लद्दाख एम्पीरियल पहले से बुक किया हुआ था, जहां 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा थी। आज डे वन की सुबह है और ये है हमारा होटल जहां पे हम ठहरे थे, और ये है होटल का रिसेप्शन एरिया। आज हम सभी ने प्लान किया था कि सुबह आराम से उठ के लोकल और मार्केट जगह को एक्सप्लोर करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी तो आज के दिन मेरी एनिवर्सरी थी, तो सब मुझे विश कर रहे थे और मजाक भी उड़ा रहे थे एनिवर्सरी करने के लिए। ये वीडियो ज्यादा नहीं चाहिए फिर आगे की तरह। जमशेद भाई का एनिवर्सरी है तो इसको ज्यादातर लोग चदर ट्रेक जनवरी मंथ के मिडल रेंज में डेट बुक करते हैं, क्योंकि नदी यही समय अच्छी प्रजनन हो जाती है और उस दिन के कुछ ही दिन में पिघलना शुरू हो जाती है। शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सही डेट पर तो गए पर चादर ठीक से बने ही नहीं। सो हम चले ले मार्केट की तरफ, जिसे माल रोड भी बोलते हैं, जहाँ पे बोल रहे थे कि 3-4 मार्केट्स है, जिसमें से एक टिबेटन मार्केट भी है, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और उन्होंने जो संजय भाई थे, उन्होंने एक जगह सजेस्ट की है लंच के लिए, लेवेंडर रेस्टोरेंट करके। सो मार्केट के बाद हम सीधा वहाँ। अभी तक का दोपहर और शाम तक का प्लान तो यही है, लेट्स सी आई क्या होता है। शैलेश का एनिवर्सरी आज, हमारे भाई शैलेश का एनिवर्सरी भी है, तो आज पार्टी शैलेश की तरफ से। उसके बाद विंटर में यहाँ का मौसम इतना ठंडा होता है कि यहाँ के नाले भी फ्रोजन हो जाती है। लगभग इस दिन टेम्परेचर -13 था, परंतु आज धूप थी, इस वजह से हमें कम ठंडी लग रही थी। बहुत बड़ी चढ़ान की वजह से थोड़ी थकान भी महसूस हो रही थी, क्योंकि वैसे भी आज हमारा यह पहला दिन था। तो ये जो लद्दाख के कुत्ते दिख रहे हैं ना, इसके बारे में हम लोग को यहाँ के नेबर ने बताया है कि एज एन ये लोग को ये ठंड में ना कुछ खाने नहीं मिलता, तो और प्लस ये लोग मांसाहारी रहते हैं, तो रात को निकलना ले में डेंजरस है, सिंस ये बाइट करते काटते भी। और हमने अभी अभी सुना था कि एक आदमी बिस्किट खिला रहा था रिसेंटली, बिस्किट के साथ साथ एक दो उंगली काट लिया उसका। सो ये ब्रीड ऑफ वुल्फ ही है काइंड ऑफ, जो माउंटेन्स में रहते हैं, सो थोड़ा डेंजरस है। ग्रुप में चलो और अकेले मत निकलो, स्टे सेफ। चादर ट्रेक के 2 दिन पहले हम यहाँ आए थे, तो चल के सभी गलियों को एक्सप्लोर करने निकले थे, और साथ ही साथ हम फोटोज वीडियोज निकल के सभी मेमोरीज को कैप्चर कर रहे थे। सब जोश में थे। ले मार्केट के रोड से गुजर रहे थे, तभी हमें एक धुन सुनाई दी, और वह धुन मोनेस्ट्री से आ रही थी। तो यह धुन इतनी पीसफुल थी कि हम मोनेस्ट्री में खींचे चले आए। Yeah.
बच्ची के गाल इतने लाल थे कि हम उसे पकड़ के उसके साथ फोटो खींचने लगे। ले मार्केट या मॉल रोड जो भी कहो, यहाँ पे सारे टिबेटियन स्टोर्स भी है, टिबेटियन रेफ्यूजी स्टोर्स भी है, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन भी है टिबेटियन का और नॉर्मल भी है। अभी हम लोग का प्लान है मुंबई वाले ना मोमोज खाए बिना कुछ हमारे जमता नहीं है, तो मोमोज ढूंढते हैं और बाकी देखते हैं और आगे क्या एक्सप्लोर करते हैं। बोल खाना कैसे? बहुत सही है, बहुत अच्छा है। और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ठंडी वाला बहुत ज्यादा। केदार ठंड से बहुत, मेरा तो पैर तो बर्फ हो गया है, पैर में नॉर्मल फुट पे जहाँ है पूरा बर्फ हो गया। सेम ही नहीं नहीं मेरे तो मजे चल रहे हैं, मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे हैं। खाना कैसा है? खाना खाना खाने के बाद गर्मी आ गई, शायद अंडा खाने के बाद आ गई। तो हम फाइनली आ चुके हैं हम लोग का फर्स्ट स्टॉप ले पैलेस। जैसे कि देख सकते हो कि ये 1600 सेंचुरी में बना था बेसिकली, और यहाँ का राजा नाम ग्याल कुछ तो उसका सरनेम था, अभी बहुत मुश्किल हो रहा उसको प्रोनाउंस करना, जिसने बनाया था यहाँ पे, और इसका टेरिटरी जो है वो स्पीटी तक उसने कैप्चर करके रखा था। और उस टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन एज इन सबसे डिफिकल्ट और एक एल्टीट्यूड पे बहुत ये बोलते बहुत मुश्किल होता था बनाना, क्योंकि ये एल्टीट्यूड पे कुछ भी इतने बड़े बड़े स्टोन्स को कैरी करना फिर बनाना तो एक टाइप का अचीवमेंट बोलते थे इसके, इसलिए वो राजा का बहुत नाम चला था जब उसने फर्स्ट कंस्ट्रक्ट किया था इस जगह को। अभी तो यहाँ से अच्छा खासा ले का व्यू भी मिल रहा है, वो मॉल रोड है जहाँ पे हम कल गए थे। अब हम जाएंगे वो इससे भी ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे, वो कुछ अराउंड 11,500 के आसपास मीटर के अराउंड है, जो जिसे हम शांति स्तूपा बोलते हैं। अब पहले हम थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, अभी तक हम तो सिर्फ एक ही लेवल पे है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 9-story बिल्डिंग एक तरह से बोल सकते हो, 9-story की ये है पूरी, जहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ें, डांस हॉल है, फिर चाइल्ड केयर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग ने डिवाइड करके रखे। फोर्थ फ्लोर से उन लोग ने पूरा रूम्स बना के रखा, अटैच किचन टॉयलेट सब कुछ था, तो 1700 में ही उन लोग ने ये सब चीज़ का केयर करके रखा था। लेट्स सी आगे क्या देखने को मिलता है। That's it.
जा सकते हैं ना, देखा तो है वहाँ पे, इतना क्यों ये कर रहे थे अपन। होली श्राइन, प्लीज टेक ऑफ योर शूज। सो हम लोग ने जूते निकाल लिए, अब चलो अंदर लेते हैं। जैसे देख सकते हो लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है, पीसफुल जगह। दलाई लामा ऑफ टिबेट, दलाई लामा यहाँ पे देख, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉलर में उसने लगाया। ये शायद सब लामा है ना यहाँ पे, लामा ये मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन जैसे बुद्धा के एंग्री स्टेट ऐसा कुछ है शायद, मुझे अच्छे से पता नहीं, अगर नहीं पता इसके लिए सॉरी। किससे बचा था वो बताया, ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड एरिया जैसा लग रहा है जो कि ऑफ लिमिट्स है, लेकिन हम थोड़ा सा देख रहे कि ट्राई कर रहे, सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम लोग कुछ रैश नहीं कर रहे, लेकिन बोलते ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, देखते हैं आगे धीरे धीरे। ये रूम्स होंगे, ये भी रूम ही है, रूम्स है ना, हाँ ये रूम्स है, यहाँ से वाइफ या ऐसे बच्चे भी रूम्स होंगे, ये भी बच्चा है, समझ गया। नीचे जरा देख के, इधर क्या है, मैट है क्या, इधर देख क्या मैट है, नीचे पत्थर है आराम से। वो कुछ नहीं है, ये रूम है ना वो लॉक्ड है, इसलिए हम लोग टैप नहीं कर रहे उसके अंदर। ये जो छोटे छोटे हैं वो सारे रूम्स हैं पैलेस के, अब पता नहीं यहाँ पे कुछ है नहीं, लाइट्स वाइट्स, नो एंट्री जोन हो सकता है। अभी हम निकलते यहाँ से, छोटे छोटे सर संभाल के चलने पड़ते हैं। ये लद्दाख गैलरी है यहाँ की, हम लोग अभी करंटली 5th फ्लोर पे, चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सेंटर नॉलेज एरिया, ये पुरानी पेंटिंग है। सो हम लोग ने ले का ले पैलेस तो देख लिया, अब आए हम शांति स्तूप, यहाँ का रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस भी है, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। साइकिल्स सब कुछ अलाउड नहीं है, ड्रोन कैमराज अलाउड नहीं है यहाँ पे, प्रोहिबिटेड है। सो लेट्स सी, सो गाइस ले पैलेस और शांति स्तूप देखने के बाद हम खाना खाने होटल में चले गए, क्योंकि यहाँ विंटर सीजन में होटल जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए हम हमारा मोए मोए करवाना नहीं चाहते थे। यहाँ के होटल्स में तुक्का फेमस है और चाय पीने का मजा लेना हो तो कावा चाय फेमस है। सो हम लोग ने मंगाया एक तुक्का, यहाँ की चीज़ है शायद, लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी एक मंगाया था टेस्ट के लिए, बहुत सही है, ट्राई करना अगर यहाँ पे आ रहे हो। अरे हाँ, ये नाम क्या है इसका, ये कैफे का नाम है स्काई वॉक। हाँ स्काई वॉक ना, स्काई वॉक। मेरे को बजट निकालना पड़ेगा 3 दिन आगे, जो घूमना फिरना सब कुछ बहुत, अभी बहुत। और इसने कितना बोला मालूम है, 11,000 से 10,000 रुपये इसने इसका बोला, क्या मेडिकल चेकअप का। हाँ वो तो पहले ही मैंने बताया ना। विंटर में हालांकि मार्केट
जल्दी बंद हो जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे सोच के अपना दुकान चालू रखते हैं कि दुकान बंद करते करते कोई तो टूरिस्ट उनके पास से एटलीस्ट कुछ तो खरीद के लेके जाए। फुल कॉपी चाहिए कॉपी बता ना कौन सा वाला है, ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म मुझे भी नहीं आता, लेकिन इंश्योरेंस वाला है, ये इधर का है, चद्दर वाला है। यहाँ पे हमें दो फॉर्म भरने हैं मेडिकल टेस्ट के पहले। एक है हेल्थ फॉर्म, जो बेसिकली अपने जहाँ पे हम लोग का मेडिकल टेस्ट होगा, और ये जो है वो इंश्योरेंस फॉर्म है इन केस एनी मिसहैप्स हैपेंस उसके लिए। अभी हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे मेडिकल चेकअप पे, देखते हैं क्या होता है। फॉर्म किधर फिल कर रहे हो? हाँ, और ये टैबलेट अपने साथ कैरी करना है या फिर यहाँ पे आके ले लेना। डायमॉक्स बोलते हैं, माउंटेन सिकनेस के लिए, बेसिकली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए। सो स्टार्टिंग में एक गोली सुबह एक गोली शाम को, फिर उसके बाद अगर तुम्हें ब्रेथलेसनेस या ऐसा माउंटेन सिकनेस जैसा फील होता है तो ही लेना। मैं और बाकी सभी यही राय देंगे कि ऐसे जगह पर जाते हो तो पहले डॉक्टर से सलाह ले कि ऐसे जगह पर सिकनेस जैसा लग रहा हो तो उस हालत में कौन सी दवा लेनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक ईपीएस स्पेसिफाई जड़ी का आया रहता तो मैं इधर दिया मैंने छोटी डीडी सो आज हमारा डी 3 है। करंट आज का टेंपरेचर -14 एज यू कैन सी, लोकल का लोकल मोबाइल है। अब डी 13 है, सिर्फ एक थर्मल पहना हूँ मैंने और कुछ नहीं पहना हूँ। हम लोग फाइनली एक्लिमेटाइज हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। पहले दो दिन तो बेरेबल नहीं था एकदम, बहुत ज़्यादा टाइम -7 भी बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा था हम लोग को। अब जाके -14 में भी इतना कुछ इशू नहीं आ रहा है। हमने फाइनली अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है नीचे। अब हम जिया भाई को पूछते हैं आज की आइटनरी के बारे में और कब स्टार्ट होगा, फिर वी कीप यू पोस्टेड। सो जो चादर ट्रैक के पहले अपना मेडिकल चेकअप होता है, बेसिकली SpO2 BP चेक करते हैं, वो यहाँ पे होता है चादर ट्रैक रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इसे ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि J&K बैंक ले मार्केट में ही है, अपोजिट है J&K बैंक। इसको भी पूछूंगा तो बता देगा कि J&K बैंक है। और उसी के बाजू में एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, बेसिकली ले का कुछ इंक्वायरी रहेगा आपको। अभी हमारा टर्न है, देखते हैं क्या होता है, कैसे रिपोर्ट्स आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो बाय। बस हम लोग उधर खड़े थे तो आया नहीं वीडियो निकालने को। हम लोग ऐसे दिखते हैं ना कैंडिडेट की पढ़ रहे ये सब पढ़ रहे तो बोला नहीं ना, क्रॉप्स बन के रहते हैं हम लोग। चले शेबी ले नीचे कभी तो गाइस, तीसरे दिन सक्सेसफुल मेडिकल टेस्ट करने के बाद हम डोम थिएटर में फाइटर मूवी देखने गए। बस बदनसीब यही था कि हमें होटल में बताया गया था कि खाना सिर्फ 9:30 तक मिलेगा, उसके बाद काउंटर फुल्ली बंद हो जाएगा। सो 10 बजे मूवी ख़त्म होने के बाद हम होटल आए और सही में पता चला कि किचन पूरी तरह बंद है। तो हम उस रात बिना खाए सोए थे, हमें याद है और याद रहेगा। वो फ्रेंच फ्राइज मंगाया ना कि समोसा? समोसा।
वैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसे, डोम, मूवी और धमाल इतने किए कि हम बिना खाए भी अच्छी नींद सोए।